हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है इजिप्ट में देवता इंसान साथ साथ रहते थे। देवता इंसानों की तुलना में बड़े होते थे और उनके रगों में सोना बहता था। वो जब चाहे रूप बदल सकते थे। इंसान देवताओं को पूजते थे। इजिप्ट दो हिस्सों में बटा हुआ था। ओसायरिस जो कि जिंदगी का देवता है, नील नदी की धरती पर राज करता है। दूसरी तरफ सेट था जो कि रेगिस्तान पर राज करता है। इजिप्ट में मार्केट में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक ड्रेस लेकर भाग जाता है। वो उसे अपनी प्रेमिका को देता है जिसका नाम जाया होता है। वो उससे कहता है कल का दिन हम साथ रहेंगे। उस लड़के का नाम बैक होता है। वो देवताओं पर विश्वास नहीं करता पर उसकी प्रेमिका करती है। वो जाया के साथ बातें करता है। दूसरी तरफ ओरस अपनी सेरेमनी की तैयारी कर रहा था किंग बनने की। वहाँ पर उसके साथ प्यार की देवी हैथोर थी जिससे ओरस प्यार करता है। ओरस को प्रेजेंट मिलते हैं देवताओं से। ओसायरिस ओरस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हवाओं का देवता ओरस। ओसायरिस ओरस को ताज पहनाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर सेट आता है और ओरस को एक बिगुल तोहफे में देता है। ओरस उसे जोर से बजाता है तभी वहाँ पर सेट की आर्मी आती है। सेट ओसायरिस को ललकारता है। ओसायरिस कहते हैं क्यों? तो सेट कहता है तुमने हजार सालों में क्या कर लिया, यहाँ कोई ख्वाहिश नहीं रखता, अब मैं राज करूँगा। ओसायरिस को सेट अपने वेपन से स्टैब कर मार देता है। फिर सेट कहता है मैं पूरे इजिप्ट का किंग बनूंगा, सब मेरे सामने झुको। सब झुक जाते हैं। सेट कहता है पुनर्जन्म पाने के लिए तुम्हें अपनी दौलत देनी होगी। ओसायरिस कहता है ओरस तुम्हारा सफर अब से शुरू होता है और ओसायरिस दम तोड़ देता है। ओरस सेट से लड़ने जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। सेट ओरस पर भारी पड़ता है। फिर वो दोनों अपना रूप बदल कर फाइट करते हैं। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। ओरस सेट पर भारी पड़ रहा होता है। वहाँ सेट के सोल्जर्स ओरस को अपनी शील्ड से चमक लगाते हैं जिससे वो देख नहीं पाता। फिर सेट आकर उस पर बहुत सारे वार कर उसे हरा देता है। वो पीछे आकर गिरता है। सेट ओरस की दोनों आंखें निकाल लेता है। फिर सेट उसे मारने वाला होता है पर हैथोर सेट को रोक लेती है। एक साल बाद दिखाया जाता है जो देवता सेट के खिलाफ होते हैं। सेट उन सभी को एक एक कर मार देता है। वो अपने फादर रा के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवाता है। राशन गोड थी। सेट वहाँ सभी को स्लेव बना लेता है। इजिप्ट की हालत बहुत खराब थी। ओरस देश छोड़कर एक जगह जाकर रहने लगा। बैक जाया से मिलने जाता है चुपके से। वहाँ जाया बैक को बताती है लूटा हुआ खजाना आया है, तिजोरी आज रात को खुली रहेगी। जाया कहती है तुम्हें वहाँ से ओरस की आंखें चुरानी है। जाया का देवताओं पर बहुत विश्वास था। जाया बैक को तिजोरी का मैप दिखाती है ताकि बैक उसे पार कर ले। रात को बैक तिजोरी के पास जाता है और सोने से भरी गाड़ियों में छुप कर अंदर चला जाता है। वहाँ उसे ओरस की आंख दिखती है। वो सभी ट्रैप्स को पार करता है पर आखिरी ट्रैप मैप में नहीं होता तो वो जैसे तैसे कर उसे भी पार कर वो आंख ले लेता है और वापस जाया के पास आता है। जाया को चोरी के आरोप में चीफ आर्किटेक्ट अर्शु ने पकड़ लिया था तो बैक उसे बहकाने के लिए एक सामान वापस देता है। अर्शु उन्हें भेड़ियों को खिलाने का आदेश देता है तो बैक ओरस की आंख निकालता है। वह बहुत चमकती है। सभी अपनी आंखें बंद करते हैं तो बैक एंड जाया एक बुलेट कार्ट लेकर भागते हैं। भागते भागते जाया को सीने में एक तीर आकर लगता है और जाया अपना दम तोड़ देती है। बैक ओरस के पास जाता है। ओरस को अपनी आँख का एहसास होता है तो ओरस उसे कहता है मेरी आँख मुझे वापस दो। बैक उसे डील करने की कोशिश करता है। ओरस को घमंड होता है कि इंसान उनके सामने कहाँ टिकेंगे। वो उसे फाइट करने लग जाता है। बैक ओरस के सभी वार से बचता चला जाता है। बैक कहता है मैं किसी को मौत से बचाना चाहता हूँ नहीं तो मैं तुम्हारी आँख फेंक दूंगा। तो ओरस मान जाता है। फिर वो जाया का इलाज करने की कोशिश करता है पर जाया उसे ठीक नहीं हो पाती। वहाँ न्यूबिस आता है जो डेथ वर्ल्ड का गार्ड एंड प्रोटेक्टर है। वो जाया की सोल को लेकर चला जाता है। बैक कहता है उसके पास कुछ नहीं है, वो फिर से जन्म नहीं ले सकेगी। डेथ वर्ल्ड में जाया को लाइन में चलने के लिए कहा जाता है उसका नंबर आने तक। ओरस बैक से अपनी आँख मांगता है तो बैक कहता है तुमने कुछ नहीं किया। ओरस बैक को पकड़ लेता है। बैक अपनी जान बचाने के लिए उसे वो
आंख दे देता है और अपनी आंख को लगाता है। फिर वो बैग से दूसरी आंख के बारे में पूछता है पर वो बैग के पास नहीं थी, तो होरस उसे गला पकड़ कर मारने वाला होता है। बैग कहता है, मैंने मैप्स देखे हैं, मुझे दूसरी आंख का पता है। बैग उसे दूसरी आंख के बदले डील करता है, अगर मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा तो तुम्हें जाया को वापस लाना होगा। होरस बैग के साथ झूठी डील कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सेट युद्ध की तैयारी करता है। जो देवता उसके खिलाफ थे, सेट को बताया जाता है आपकी तिजोरी भेज दी गई है, तो सेट अपने एक मॉन्स्टर को उसका पता लगाने के लिए कहता है। होरस एंड बैग पहाड़ चढ़ते हैं, वहाँ एक रिंग के पास जाते हैं। होरस अपने ग्रैंडफादर से प्रार्थना करता है ताकि उसका रूप बदल सके और वो उनसे मिलने जा सके। फिर उसका रूप बदलता है, वो उनके पास चला जाता है। उनके पास जाने पर रा को दिखाया जाता है, वो अपना रूप बदल कर अपने स्टिक से वार कर दैत्य को भगाते हैं, जिसका नाम एफोविस है, नहीं तो वो सब कुछ निकल जाएगा। होरस रा को कहता है, सेट ने मेरे पिता की हत्या कर दी, तो रा कहते हैं, वो दोनों मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए एक जैसे हैं, संसार में सभी मेरे लिए एक जैसे हैं। रा उससे वहाँ आने की वजह पूछते हैं, तो होरस कहता है, मुझे थोड़ा सा डिवाइन वाटर चाहिए। रा उसे इजाजत दे देते हैं, तो वो उस वाटर को लेता है। होरस कहता है, मैं सेट को मारने के लिए शक्तिशाली नहीं हूँ अपनी आँख के बगैर, तो रा कहते हैं, शक्तिशाली बनो, तुम इतने समय तक आलसी रह कर भूल गए तुम कौन हो। रा होरस को कहते हैं, सेट जैसे राज करता है मुझे पसंद नहीं, और तुम उसे अच्छा राज करोगे ये मुझे यकीन नहीं। अर्थ पर सेट बाकी देवताओं पर हमला करता है। सेट महल के अंदर जाता है, वहाँ सभी को मार कर वो नेफिस्टिस से मिलता है और कहता है, तुम रानी बन सकती थी मेरी। नेफिस्टिस कहती है, तुम जानती हो मैं क्यों नहीं बनी, हम दोनों खुश रह सकते थे, मैं तुम्हें खुश कर सकती थी। सेट कहता है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। फिर नेफिस्टिस कहती है, रानी सही फैसला किया, तुम्हें कोई बच्चा ना हो। नेफिस्टिस वहाँ से जाने लगती है। सेट को गुस्सा आता है, वो उसके विंग्स पकड़कर उसे अंदर खींचता है और उसके विंग्स पकड़कर काट देता है। दूसरी तरफ होरस एंड बैक अर्थ पर आते हैं। बैक वहाँ पानी भरता है झरने से। सेट के मॉन्स्टर वहाँ आकर उससे होरस की आंख पूछते हैं, तो होरस भी वहाँ आता है। वो उनसे फाइट कर उन्हें मार देता है। होरस उनके लीडर से फाइट करता है और उसे स्टैब कर घायल करता है। वो पीछे से उठकर होरस पर पत्थर से वार करता है। होरस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है झरने में। सेट भी जंप कर देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वो मरने वाले होते हैं, तो होरस को वापिस होश आता है। वो अपनी वेपन को दो पत्थरों के बीच होल्ड कर रुकता है। वो दोनों आगे चलते हैं। सेट का मॉन्स्टर वापस आकर उनका सारा प्लान बताता है। फिर सेट उसे हारने पर उसका सर अलग कर देता है। सेट अपने दो शिकारियों को उन पर हमला करने के लिए भेजता है और हैदोर से कहता है, तुम डेथ वर्ल्ड में उनकी सलाहकार थी, मुझे भी ले चलो। तो हैदोर कहती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। सेट कहता है, ये ब्रेसलेट तुम्हें उनसे बचाता है। फिर उसे वहाँ ले जाने की कहता है। हैथोर होरस से मिलती है। सेट उसे देख लेता है, वो भी उसे धोखा दे रही है। फिर सेट को हैथोर बैक मारने की कोशिश करती है, पर सेट उसे मारने वाला होता है। वो अपना ब्रेसलेट निकाल लेती है और उसे डेथ गार्ड वापस खींच लेते हैं। फिर वो मुश्किल से अपना ब्रेसलेट पहनकर वापस आती है। अगले दिन होरस सेट को बताता है, यहाँ एक खूबसूरत बाग था, मेरे फादर को ये जगह बहुत पसंद थी, तो सेट ने ये जगह तबाह कर दी और मेरे फादर के यहाँ लाकर टुकड़े कर दिए। मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली और मैं कुछ नहीं कर सका। फिर वहाँ सेट की शिकारी आती है बड़े सांपों पर। वो दोनों उनसे बचकर भागते हैं और छुपकर प्लान बनाते हैं। बैक एक सांप को बुलाता है, वो उसका पीछा करता है। होरस फिर उस शिकारी को बांध कर उसे नीचे खाई में फेंक देता है। दूसरे शिकारी के सांप को वहाँ हैथोर आकर हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो खुद पर ही आग छोड़ता है और ब्लास्ट हो जाता है। होरस हैथोर से नाराज होता है, कहता है, जिसने मेरे पिता को मारा और मेरी आंखें निकाल ली, तुम उसी के साथ एंजॉय कर रही थी। हैथोर कहती है, वो सबको मार डालेगा जो उसके सामने नहीं झुकेंगे, इसमें मैं भी शामिल। बैक कहता है, हम पिरामिड में घुसकर उस आग में डिवाइन वाटर डालेंगे
मुझे मैप पता है, तो हैथोर कहती है तुम्हें फिनिक्स का पता है। वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछता है, वो उस फायर को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो टोट के पास जाते हैं, बुद्धि का देवता। रास्ते में बैक हैथोर को कहता है ओरस इतना भी बुरा नहीं है, वो जाया को वापस लाएगा, उसने मुझसे वादा किया है। वो टोट के पास पहुँचते है, ओरस टोट से मदद मांगता है, टोट उसे मना कर देता है। ओरस उसे पकड़ कर जबरदस्ती करता है, पर उसके सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। तो बैक कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सवालों का जवाब दूंगा, जब मेरा जवाब गलत होगा तो मैं उनसे कहूंगा मैंने बुद्धि के देवता को आने को कहा था, पर वो डर गए। तो टोट उसे अपनी सैलरी स्पेक्ट पर ले लेता है और उनके साथ चल पड़ता है। वो चलते चले जाते हैं, हैथोर ओरस से कहती है तुम उसे वापस नहीं ला सकते, राजा बनने के बाद भी तुमने उसे धोखा दिया है, बदले की चाह में तुम अंधे हो गए हो। ओरस कहता है मैं चाहता हूँ वो आग को बुझाने में हमारी मदद करे, अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम सभी मारे जाएंगे। बैक एंड हैथोर आगे चले जाते हैं। टोट ओरस से कहता है हैथोर तुमसे प्यार करती है, पर ओरस ऐसा नहीं मानता। तो टोट कहता है सेट ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा बताओ। टोट कहता है सब बेवकूफ हैं, पर तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। फिर ओरस को एहसास होता है, वो रात को पिरामिड के पास जाते हैं। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं, वहाँ उनसे फिनिक्स मिलता है। वो उनसे पहली पूछता है मैं नहीं था पर हमेशा रहूँगा, किसी ने मुझे नहीं देखा और ना देखेगा, और हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, कौन हूँ मैं। थोट गलत जवाब देता है, फिनिक्स उन्हें मारता है। फिर थोट सही जवाब देता है आने वाला कल, तो वो फिनिक्स वापस रेत बन जाता है। ओरस पानी को आग में डालने जाता है, पर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। सेट आकर टोट का दिमाग निकाल लेता है, बैक वो पानी आग में डालने वाला होता है। फिर सेट कहता है क्या ओरस ने तुम्हें कहा है वो तुम्हारी प्रेमिका को वापस लाएगा, ये झूठ है, मैं भी नहीं ला सकता। और सेट उसके हाथों से बोतल छीन कर वो पानी गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। पिरामिड गिरना शुरू होता है, ओरस हैथोर एंड बैक को वहाँ से निकालता है। बाहर आकर सेट एंड ओरस के बीच फाइट होती है। बैक कहता है तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तो हैथोर नूबिस को बुलाती है और कहती है मैं ये ब्रेसलेट इसकी प्रेमिका को देना चाहती हूँ पुनर्जन्म के लिए, बैक को इजाजत दो ताकि वो जाया को ये देकर आ जाए। ओरस हैथोर को ब्रेसलेट देने से मना करता है, पर वो कहती है मैं प्यार की देवी हूँ, और वो अपना ब्रेसलेट निकाल कर चली जाती है। सेट को दिखाया जाता है उसे थोट का दिमाग, ओसायरिस का दिल, ओरस की आंख और नेफिस्टिस के विंग्स लगाए जाते हैं। वो सबसे पावरफुल बन जाता है और रा के पास जाता है, वहाँ जाकर वो कहता है मेरी इज्जत कीजिए। सेट कहता है क्यों आपने मुझे डेजर्ट पर और मेरे भाई को नदी पर ऐश के लिए भेजा, क्यों ओसायरिस को बेटा दिया और मुझे नहीं। तो रा कहते हैं ये तुम्हारा टेस्ट था। रा कहते हैं मैंने तुम्हें बच्चे इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम्हें उनके दूरी ना तल पाए, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह लो, तुम्हारा टेस्ट ऐसे ही पास होगा। सेट कहता है मैं इस दैत्य से लड़ता रहूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इमोर्टल होना चाहता हूँ। रा कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें डेथ वर्ल्ड को निकलना होगा, तुम दुनिया को अंधकार में डालना चाहते हो, ऐसे तो तुम दुनिया खत्म कर दोगे। फिर वो दोनों अपना रूप बदल लेते हैं, रा सेट पर अपनी स्टिक से वार करते हैं, पर सेट उसे सरवाइव करता है और पास आने पर रा को वेपन से स्टैब कर शिप से नीचे फेंक देता है और रा की स्टिक ले लेता है। बैक ब्रेसलेट जाया को देता है ताकि वो फिर से जन्म ले सके, पर जाया मना कर देती है, कहती है तुम्हारे बिना जीने का क्या फायदा। डेथ वर्ल्ड के गेट पर एफ ऑफिस हमला करता है, नूबिस उसे रोकता है। जाया कहती है ओरस की हमारी आखिरी उम्मीद है, बैक कहता है वो झूठा धोखेबाज है। जाया कहती है उसे एक और मौका दो, तुम उस पर नहीं तो मुझ पर भरोसा करो। फिर बैक वापस जाता है ओरस के पास, बैक एंड ओरस प्लान बनाते हैं। सेट एफ ऑफिस को बुलाता है ताकि वो नील नदी का पानी पी ले और सब खत्म हो जाए। ओरस वहाँ पहुँच कर अर्शु को पकड़ कर उसे बिल्डिंग के
उसे ऊपर ले जाने को कहता है। ऊपर आने पर वो पीछे से जाता है। अर्शू एंड बैक फाइट करते हैं। वोरस सेट पर पीछे से वार करता है, फिर कहता है ये पागलपन है। उन दोनों में फाइट होती है। बैक अर्शू को बांध कर नीचे गिरा देता है और वो मर जाता है। सेट वोरस पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। वहाँ बैक आकर उसका ध्यान भटकाता है। सेट उनके पास आता है। वो सेट से होरस की आंख निकाल लेता है और होरस के पास फेंकता है। होरस आंख को न पकड़ कर बैक को गिरने से बचाता है। फिर होरस की पावर वापस आती है। वो उड़ने लगता है क्योंकि उसने खुद गर्जी को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। सेट एंड होरस में फिर से फाइट होती है। होरस सेट को चकमा देता है और उसे बिल्डिंग के पास ले जाता है। फिर वो उस पर पीछे से वार कर उसे घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। वहां जाकर होरस सेट के विंग्स को तोड़ देता है। सेट ऊपर से नीचे गिरता है और घायल हो जाता है। उसके पास होरस आता है। वो उसे कहता है नए राजा का स्वागत है, एक बार मैंने तुम पर रहम किया था। होरस कहता है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और उसे मार देता है। फिर वो रा के पास जाकर उनको उनकी स्टिक देता है। रा एफ ऑफिस पर हमला कर उसे वहां से भगा देते हैं। होरस को एक लड़की उसकी दूसरी आंख देती है। होरस उसे शुक्रिया कहता है और फिर वो बैक के पास जाता है, पर बैक दम तोड़ देता है घायल होने के कारण। होरस उसे वापस लाकर जाया के पास लेटाते हैं। रा खुश होकर होरस को विश मांगने के लिए कहते हैं। होरस बैक एंड जाया को फिर से जिंदा करने की विश मांगता है। फिर वो दोनों वापस जिंदा होते हैं। अब इजिप्ट में सेलिब्रेशन होता है। होरस को नया किंग बनाया जाता है। होरस कहता है आज से पुनर्जन्म हासिल किया जाएगा, दौलत से नहीं अच्छे कर्मों से, दरिया दिली से। फिर बैक होरस को हैथोर का ब्रेसलेट देता है। होरस बैक को इजिप्ट की जिम्मेदारी देकर हैथोर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।